राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर काशीमीरा में लक्ष्मीबाग और परसावे में बारिश के पानी को खोलने की अनुमति दे दी है। मीराबंद नगर पालिका की अनुमति मिलने में एक साल लग गया। एक साल बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दो जगहों पर खोलने की अनुमति दी है, इसलिए जल्द ही यह काम शुरू किया जाएगा। काशीमीरा के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से भारी मात्रा में बारिश का पानी आता है, इससे ग्रीन विलेज, मीनाक्षी नगर, वेस्टर्न पार्क, लक्ष्मी बाग, मीरा गांव में लोगों को भारी नुकसान होता है। इन क्षेत्रों की वर्षा जल पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर उजागर हो रही है और पूरी तरह से लोगों को क्षति पहुंचाती है। मीरा भिंदर नगर पालिका 1.5 साल में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ पत्राचार कर रही है ताकि नए मार्ग खोलने की अनुमति मिल सके, ताकि पानी जमा हो जाए और नागरिकों को नुकसान भी न पहुंचे। कई बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी अनुमति नहीं दी गई है। काशीमीरा में वह वर्षावे के लक्ष्मी बाग में 2-2 मीटर पाइप डालने की अनुमति मांगी है, इससे 4 मीटर एक जगह खुल जाएगी। इससे इस क्षेत्र में जमा पानी यहां से होकर गुजरेगा। वर्षावे और लक्ष्मी बाग में हर साल बड़ी मात्रा में बारिश का पानी आता है और सड़क पूरी तरह से बंद हो जाती है, इसलिए कई घंटों के लिए यातायात बंद करना पड़ता है। इससे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। मीनाक्षी नगर से लेकर साई पैलेस होटल तक बारिश के मौसम में कच्चे नाले के निर्माण की मांग पिछले कई दिनों से की जा रही है। मेरा भेंद्र में स्कूलों के मेयर ज्योत्सना नाले के दौरे के दौरान देखा गया कि सिर्फ नगर पालिका में स्कूल के छात्र सफाई कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने छात्रों की समस्याओं और सफाई कर्मचारी को कैसे नियुक्त किया जाए इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। मीरा भेंदर में नगर पालिका के स्कूल 15 दिन पहले ही खुल चुके हैं। मेयर ज्योत्सना हसराणी ने नगर पालिका के स्कूलों का दौरा शुरू कर दिया है। काजूपाड़ा, दचकुलपाड़ा स्कूलों का दौरा करते समय कई समस्याओं और सुविधाओं की कमी देखी गई है। स्कूल में साफ सफाई ठीक से नहीं होती है। एक स्कूल में सिर्फ छात्र सफाई करते नजर आए, उन विद्यालयों में तत्काल सफाई श्रमिकों की भर्ती की जाए तथा विद्यालयों में विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। बच्चों के विकास के लिए स्वस्थ आहार जरूरी है। जल्द ही बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म भी मिल जाएंगे। छात्रों की यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक, किताबें, रेनकोट, जूते और अन्य स्कूल सामग्री उपलब्ध कराना आवश्यक है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और छात्रों को स्कूल सामग्री से पढ़ना जारी रखना है। इस साल 9वीं कक्षा शुरू हो चुकी है और अभी तक प्रशासन की ओर से शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए शिक्षकों की भर्ती जरूरी है जिससे शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। स्कूल में बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा। नगर पालिका के स्कूलों में सप्ताह में 2 बार कंप्यूटर शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और समय की कमी के कारण छात्रों के लिए कंप्यूटर ज्ञान हासिल करना एक परेशानी बढ़ती जा रही है। नगर पालिका के स्कूलों में शिक्षकों का समय बढ़ाया जाना चाहिए ताकि छात्र अधिकतम कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर सके। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। महापौर ने आयुक्त को तुरंत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मीरा भेंदर नगर पालिका के लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता दीपक खांबित को प्रभारी नगर अभियंता नियुक्त किया गया है। मीरा भेंदर नगर पालिका के नगर अभियंता शिवाजी बारकुंड 30 मई को रिटायर्ड हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से शहर में इस बात को लेकर बहस चल रही थी कि 2 कार्यपालक अभियंता दीपक खांबित और कार्यपालक अभियंता सुरेश वाकोड़े में से किसको यह पद दिया जाए। मीरा भेंदर नगर पालिका के अधिकारियों का बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं हुआ था। उन अधिकारियों को कमिश्नर दिलीप ढोले ने प्रमोट किया है। नगर सेवक व अन्य पदाधिकारियों ने नगर अभियंता के महत्वपूर्ण पद पर उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति की मांग की थी। इसी के तहत दीपक खांबित को नगर अभियंता प्रभारी बनाया गया है।